आरंभ होगा एशियो सम्मेलन इस्लामाबाद रे आयोजित दुईदिनिया सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशियो सम्मेलन रे जोग देबा को पाकिस्तान गस्त करिसन जयशंकर भारत व्यतीत चीन रूस बेलारूस कजाकिस्तान किर्गिजिस्तान ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान राष्ट्र नेता सामिल होती सम्मेलन में आतंकवाद एवं जलवायु परिवर्तन नहीं आलोचना हो पारे। आज अर्थव्यवस्था व्यापार पर्यावरण संबंधी प्रसंग उपर आलोचना होगी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय एशियो सदस्य राष्ट्रगुड़िक सहयोग को बढ़ावा सहित संगठन बजेट को मंजूरी देवाई गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति प्राय 9 वर्ष पर भारत प्रथम वैदेशिक मंत्री भाव पाकिस्तान गस्त कर जयशंकर यह गस्तर पाकिस्तान सहित कौन द्विपाक्षिक आलोचना हो पूर्वरु जयशंकर स्पष्ट करथिले अपॉर्चुनिटीज है इलाकाई रवाबित के हवाले से इलाकाई ताबुन के हवाले से इस्तेहकाम के हवाले से। प्रोफेसर मानस बेहरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ जोड़ी होचन नाम सहित फोन लाइन रे प्रोफेसर बेहरा ए बड बड प्लेटफार्म जोठी आतंकवाद उपरे आलोचना होई पारे एवं पाकिस्तान रे कथाटी घटुची केमते आपण देखन दिए घटना को এটা সবুধর সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন বর্তমান পৃথিবী সমগ্র পৃথিবী সে অপেক্ষাকৃত রয়েছে গোটে বিকল্প বিকাশর চিত্র বাণিজ্যিক সহযোগ যেত দুই দুইটা যুদ্ধ চালছি সেতবে কেন্দ্র এশিয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ার যে রাষ্ট্র মানে অনেক এবং তিনোটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র অনেক ভারত চীন এবং রাশিয়া তাঁকর কোণ আতঙ্কবাদ উপরে জলবায়ু পরিবর্তন উপরে বাণিজ্যিক সহযোগ উপরে এবং বিশেষ করে এনার্জি ক্রাইসিস যেটা বিষয়ে শক্তি সংকট তাকে কেমিতে মানে মোকাবিলা করা সহযোগ করছেন তা প্রত্যয় করছেন এবং ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং জয়শঙ্কর যেহেতু ওকে ফেরুচ আমি আপনার পাখকু জয়শঙ্কর কোন কোচন দিয়ে মিটিং রে আসুন শুনিবা मौसमी तब्दीली के चैलेंज का जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए इज्तमाई इकदामात करना ज़रूरी है रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ का भी जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में और इस मौके और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है मुआशी शोबे में तआवुन और मौके एससीओ निहायत मौसर और मुदलिल अंदाज में तमाम पहलुओं का अहाता करना जो कि खित्ते की तरक्की के लिए उसके इस्तेहकाम के लिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। एससीओ के फोरम को किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है उसकी अहमियत को मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे उसकी अफादियत से फ़ायदा उठाया जा सकता है तमाम पहलुओं पर तो आतंकवाद ऊपर आलोचना जयशंकर वर्तमान समय कथा रखुं एवं विभिन्न दिग को लेकिन वर्तमान समय इस्लामाबाद जहाँ एशियो समिट चली भारत कथा आम देखा पाचे एवं अर्थ व्यवस्था एवं अनेक कथा रही आज यही सब प्रसंग उपरे आलोचना हेब एवं आरंभ हो सारी एशियो सम्मेलन वर्तमान समय जयशंकर को आपत देखुं वैदेशिक मंत्री जयशंकर भारत एवं भारत कथा को से उपस्थापन करुं एशियो संघाई सहयोग कथा आम देखुचे कि जलवायु परिवर्तन होगला आतंकवाद होगला एवं अनेक अर्थव्यवस्था होगला पर्यावरण होगला विभिन्न दिग को लेकिन ये आलोचना चली आगे आलोचना चलो एवं विभिन्न देश जो मैंने एशियो अच्छा से मैंने से मत उपस्थापन करेंगे विभिन्न दिशा देखा जे कि भाव एशियो आग को जीव प्रोफेसर बेहरा एशियो सम्मेलन जो बड़ प्लाटफर्म से आतंकवाद अर्थव्यवस्था पर्यावरण उपर आलोचना ये किभली गोटे दिशा बा नुआ गोटे रूपरेख तैयारी कर सबुठ बड़ कथा हूँ जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन पे अमेरिका पछघुंचा देती चीन जहां नीति कार्यकारी करा कथा करूना तेणु बर्तमान जदि ये आंचलिक संगठन हिसाब से सर्वबृहत संगठन हिसाब से जलवायु परिवर्तन एक दिशा माने रोडमैप तैयारी कले विश्वर जो जलवायु परिवर्तन पेरिस क्लाइमेट कन्फरेन्स सब এতে গোটে দিগদর্শন দেব দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাণিজ্যিক সহযোগ বিশ্বের যেহেতু আমেরিকার বা বড় বড় পুঞ্জিপতি মানকর দবদবা রয়েছে এবং তাকে দক্ষিণ এশিয়ার দক্ষিণ গোলার্ধর যে গরিব বিকাশশীল রাষ্ট্র মানে বা উন্নত রাষ্ট্র মানে মোকাবিলা করে পাওনা ইয়ে গোটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সহযোগ ইয়ে গোটে দিগদর্শন দেব দ্বিতীয় কথা হল আতঙ্কবাদ এবে পাকিস্তান আতঙ্কবাদর শিকার হয়েছে নিজে এবং যেটি চীন দুই জন ইঞ্জিনিয়র মৃত্যুবরণ করেছেন তেমন এটি গোটে কলেকটিভ কথা হব আতঙ্কবাদ কু মোকাবিলা কেমতি করা যাই পারিব যে কথা ভারত যথেষ্ট গুরুত্ব দেব এবং ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক ইয়া দ্বারা প্রভাবিত হই সবুঠার গুরুত্বপূর্ণ ভারত পাই যেটা যে গোয়ারে যে এশিয় সম্মেলন হয়েছিল গত বর্ষ সেতরে ভারত কতক নূয়া প্রস্তাব দিয়েছিল যে বুদ্ধ ধর্মর বুদ্ধ মূল্যবোধর প্রসার প্রচার যেটা সে গ্রহণ করেছিল
ता सहित मिलेट मिशन जोटा मिलेट प्रचार प्रसार एक न्यूट्रियस फूड हिसाब से आउ किंतु फर्दर आगे जीव भारत उद्यम कर जयशंकर गस्त को पाकिस्तान सरकार अनेक गुरुत्व देखिए बिलावाल भुट्टो जरदारी वक्तव्य से कहते जदि आम भर पार्थक्य अच्छी आम जलवायु परिवर्तन आतंकवाद उपरे आगो को जाई एवं पाकिस्तान गणमाध्यम जथेष गुरुत्व दे जयशंकर दर्शन को परिदर्शन को तेणु वर्तमान भारत जो बड़ टीम पठेला जयशंकर नेतृत्व में यार केवल भारत पाकिस्तान पर नुहे समग्र दक्षिण एशिया केन्द्र एशिया और विश्व पर गोटे भल वार्ता जाए तेणु एत बड़ प्लाटफर्म रे भारत निश्चित भाव आंतर्जातिक भूमिकार गुरुत्व एवं भारत को सठिक भाव निर्वाह कर आशा करा जाए एवं तीनोटी बड़ राष्ट्र वर्तमान विश्व जे प्रोफेसर बेहरा आतंकवाद को परोक्ष बा प्रत्येक भाव प्रोत्साहन दे आसुच पाकिस्तान पूरा विश्ववासी जना एवं से इस्लामाबाद रे आतंकवाद उपर आलोचना हवा विभिन्न देश मत रख आतंकवाद उपर भारत मत रख पाकिस्तान आपको कमी देख पाकिस्तान तो स्पष्ट भाव कही सारे आतंकवाद विरोधी पाकिस्तान पाकर विकल्प ना कि कथ जेहतु आम द्विपाक्षिक आलोचनार संभावना ना ऑफिशियली बेसरकारी भाव कौन हम कल जना पड़ो तेणु समस्त राष्ट्र से आतंकवाद को विरोध करेंगे और भारत स्टैंड सहित जी कि भारत पाकिस्तान परस्पर को जेहेतु आरोप प्रत्यारोप करते तार परिसर ना क्या सांघाई सहयोग संगठन बाइल से व्यवस्था ना कि द्विपाक्षिक संपर्क व द्वंद्व संपर्क में आलोचना हम तेणु पाकिस्तान से निजर इमेज रखापर जरदारी मूल कही सारे जे आतंकवाद आम उभय राष्ट्र शिकार होचु तेणु आतंकवाद जॉइंटली काम करवा उचित इतने पाकिस्तान के आंतरिकता अच्छी समस्त जानते कि स्टैंड नहीं कि बिल्कुल ये पाकिस्तान वर्तमान समय आभिमुख्य आतंकवाद विरुद्ध लड़ाक चाहिए पाकिस्तान किंतु जो प्रसंग आज आलोचना बात चली वर्तमान समय आतंकवाद एवं अर्थव्यवस्था पर्यावरण ये सब कथ कौट ना कौटी आग को किभली गोटे नुआ दिशा नुआ दिग्दर्शन देखाऊँ सारा विश्व को एसीओ मीट जरिया ताहा देखिबार कथा धन्यवाद जोड़ी होते प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जात व्यापार विशेषज्ञ फोनलाइन रे थिले ए संपर्क रे सविशेष आम सहित आलोचना करूथले।